नमस्कार भाइयों, तो स्वागत है आपका आपके ही चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं लखनऊ वर्सेस हैदराबाद के बीच में जो आज का आईपीएल का 58वां मुकाबला खेला जाना है उसकी। और भाइयों, इस मैच में क्या पिच रिपोर्ट रहेगी और उस पिच पे होने वाला क्या-क्या है और क्या मेरी टीम रहेगी, सब कुछ भाइयों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और भाइयों, बात कर ली जाए कल की, तो भाइयों कल आपके भाई ने धूम मचा दी। कल आपके भाई ने फिर से फोड़ दिया। कल आपके भाई ने इतना बड़ा धमाका किया है ना कि उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इतना बड़ा धमाका किया आपके भाई ने कल। कल मैंने जो जो वीडियो में बोला, कल अगर आपने वीडियो देखी होगी मुंबई की और गुजरात की, तो A to Z पूरा का पूरा प्रेडिक्शन आपके भाई का एकदम सटीक था। पिच रिपोर्ट से लेके तो एक एक प्लेयर का प्रेडिक्शन आपके भाई का एकदम सटीक था। चलो मैं बताता हूं आपको, नीचे वाली वीडियो के थंबनेल पे देख लो, मैंने लिखा हुआ है सहा और गिल को छोड़ो, ईशान किशन और रोहित को पकड़ो। और वो ही किया आपके भाई ने, गिल और सहा दोनों को हटाया, मोहम्मद शमी को हटाया। मोहम्मद शमी को कौन छोड़ता है यार, मैं छोड़ता हूं। कुमार कार्तिका को कौन लेता है, आपका भाई लेता है। चावला को लिया। और कल पूरी दुनिया, पूरा भारत गुजरात के फेवर में टीम बना रहा था। और मैंने यही बात वीडियो में बोली थी कि भाइयों इस मैच में मैं फुल एकदम जबरदस्त इन्वेस्टमेंट करूंगा, क्योंकि पूरा भारत एक तरफ है और मैं एक तरफ हूं। सब लोगों ने गुजरात के फेवर में टीम बनाई थी। आपके भाई ने क्लियर बताया था कि मुंबई मैच जीतने वाला है। क्यों जीतने वाला था उसका रीजन भी बताया था। तो आपने अगर कल की वीडियो देखी होगी तो आपके तो भाई हो जैकपॉट लग गया आपका। और मेरी टीम कितनी खतरनाक चली। गिल को कोई ड्रॉप करता है, आपका भाई ड्रॉप करके आया था। सहा को ड्रॉप कोई करता है, आपका भाई ड्रॉप करके आया था। मोहम्मद शमी को कोई ड्रॉप करेगा, आपका भाई ड्रॉप करके आया। नूर अहमद को कोई ड्रॉप करेगा, आपका भाई ड्रॉप करके आया। डेविड मिलर को कोई लेगा, आपका भाई लेके आया। रोहित शर्मा को कोई लेगा, आपका भाई लेके आया। कुमार कार्तिका को कोई लेगा, आपका भाई लेके आया। तो कल की वीडियो का प्रिडिक्शन ग्रैंड लीग विनिंग प्रिडिक्शन था। सेकेंड रैंक आई है आपके भाई की ग्रैंड लीग में, चार ग्रैंड लीग में सेकेंड रैंक आई है। आ जाओ टेलीग्राम पे प्रूफ डाले हुए देख लो, आ जाओ। राशिद खान को कल किसी ने वॉइस कैप्टन बनाया था क्या, आपके भाई ने वीडियो में बना के दिया था। और जो दो ग्रैंड लीग की टीम बना के दी थी उसमें सूर्य कुमार यादव कैप्टन बना के दिया था भाइयों। तो कल का जो प्रिडिक्शन था ना, और मैंने कोई पहली बार नहीं दिया भाइयों ऐसा प्रिडिक्शन इस आईपीएल में। बैक टू बैक हर वीडियो में आपका भाई एकदम सटीक प्रिडिक्शन दे रहा है। जिसको फ्लॉप बोल दिया, भले वो 95% है, उसको फ्लॉप होना ही है। आपके भाई ने उसको फ्लॉप बोला है, मतलब वो फ्लॉप होगा ही। जिसको रॉक बोल दिया, अगर उसका सिलेक्शन 0% है तो भी वो चलेगा। तो भाइयों आईपीएल मेरा बड़ा ही जबरदस्त चल रहा है। अगर आपको यकीन नहीं है आप मेरे टेलीग्राम पे आ जाओ, कल का रिजल्ट देखो। कल मैं 4 करोड़ रुपए जीतने वाला था, 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करने वाला था। क्लियर वीडियो में बोला था, क्लियर चैनल पे बोला था। और जैसे ही मैं लीग ज्वाइन करने बैठा, विजन इलेवन ओपन ही नहीं हुआ। कल विजन इलेवन ने धोखा दे दिया। ऐसा ही मालूम है CSK पास LSG के मैच में हुआ था। उस मैच में तो लीग लग गई थी मेरी, 1.5 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया था मैंने विजन इलेवन पे, और 5 करोड़ 60 लाख रुपए जीत रहा था। तो पानी आ गया, पानी धो के चला गया। बहुत दर्द हुआ कल, कल भी बहुत दर्द हुआ। लेकिन मैंने ड्रीम इलेवन पे लगा लिया था भाइयों भर के पैसा, मैंने ड्रीम इलेवन पे नोट छाप लिए। यहाँ तक कि ग्रैंड लीग में भी सेकेंड रैंक हासिल कर ली। तो आ जाओ, कल का रिजल्ट डला हुआ है टेलीग्राम चैनल में। और डाउट है तो देख लो, नीचे वाली वीडियो देख लो MI vs GT की। 1 घंटे की वीडियो बनाई थी, और जिसने वो वीडियो ध्यान से देखी है मतलब उसकी मजे ही मजे। बहुत से बंदों के कमेंट्स आए कि भाई मैंने 20 रुपये लगा के इतना विन करा, मैंने 200 रुपये लगा के 2 लाख विन करा। कई सारे मेंबर्स कल मेरे ग्रैंडलिक्स जीत गए सिर्फ वीडियो को ध्यान से देख के। तो भाइयों
कल तो आपके भाई ने बिल्कुल आग लगा दी, फोड़ दिया, तोड़ दिया, मार दिया, काट दिया, चीर दिया, सब कुछ कर दिया आपके भाई ने। बस वो तो ये शुक्र मनाओ कि विजन इलेवन का सर्वर डाउन था, नहीं तो 4 करोड़ विनिंग का स्क्रीनशॉट आप मेरे टेलीग्राम पे देखते। जीता हूं 1 करोड़ 20 लाख रुपए जीता था सीएसके वर्सेस राजस्थान का जो पहला मैच हुआ था उसमें, और भी कई सारे मैचों में मैं जीता हूँ। लास्ट वाला लखनऊ वर्सेस हैदराबाद का मैच हुआ था जिसकी अभी बात करेंगे, उस मैच में आपका भाई 400 पॉइंटों से जीता था। कुणाल पांड्या का सिलेक्शन उस दिन 19% था, मेरा कैप्टन था, 4 विकेट प्लस 34 रन बनाए थे। तो ये मैच भी बड़ा ही जबरदस्त रहने वाला है, बधाई हो, खुशखबरी है, ये मैच भी बड़ा ही जैकपॉट है, बहुत बड़ा जैकपॉट है ये मैच भी। अब इसको मैं क्यों जैकपॉट बोल रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगी कहानी, जब मैं टीम बनाऊंगा ना और पिच रिपोर्ट आपको बताऊंगा ना, आप समझ जाओगे भाई इसमें तो लगाना है, भर के लगाना है पैसा, ऐसा आप खुद बोलोगे। ठीक है, तो ये मैच भी भाई बड़ा ही जबरदस्त रहने वाला है। लास्ट मैचों की मैं क्या बात करूं, मैं सुबह से शाम हो जाएगी लास्ट मैचों का बताते बताते। आप मेरे टेलीग्राम पे आ जाओ, एक बार रिजल्ट देख लो, कल का रिजल्ट देख लो, उसके बाद ज्वाइन कर लेना। ठीक है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन करके पूरे आईपीएल के रिजल्ट चेक करना। बोलोगे भाई यार अब मिला काम का चैनल, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बस भाई की वीडियो देखूंगा, भाई की टीम देखूंगा, बस 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 भाई के टेलीग्राम में एक्टिव रहूंगा, भाई के यूट्यूब पे एक्टिव रहूंगा, बस आप यही बोलोगे। यकीन नहीं हो रहा होगा आपको, एक बार मेरी लास्ट वाली वीडियो देख लेना, और लास्ट दो केकेआर के जो मैच हुए थे उसमें मैंने बंदों को मेगा ग्रैंड लीग जिताई थी, ग्रैंड लीग विनिंग प्रिडिक्शन दिया था। आप एक बार टेलीग्राम पे आना, बहुत देर से मैं बोल रहा हूँ आपसे, आप आना, पूरी वीडियो अभी वाली ध्यान से देखना, उसके बाद में टेलीग्राम पे जरूर आना। ठीक है भाइयों, याद से आना, छापना है तो टेलीग्राम पे पहले सबसे पहले आना है। ठीक है, छापना है ना, नोट छापना है ना। चलो भाइयों, बहुत देर से हो गई, लास्ट मैचों की बात है, मैं तो क्या ही बोलूं, मतलब यार कल का प्रेडिक्शन ग्रैंड लीग विनिंग प्रेडिक्शन था, बस आप खुद समझ जाओगे, पूरी ड्रीम टीम थी मेरी, पूरे के पूरे प्लेयर ड्रीम टीम के थे मेरे पास। आ जाओ आप टेलीग्राम पे, स्मॉल लीग से मैंने क्लीन स्वीप अप टू मिनी ग्रैंड लीग किया है, 400 पॉइंटों से मैं स्मॉल लीग जीता हूँ कल। राशिद खान किसी का वाइस कैप्टन होगा क्या, शमी को कोई ड्रॉप करेगा क्या, मुंबई के पूरे बॉलर कोई ले सकता है क्या, गुजरात इतनी स्ट्रॉन्ग टीम उसको हरवाने का कोई प्रेडिक्शन कर सकता है क्या, हमने करा था, यकीन नहीं है, देख लो मुंबई वर्स गुजरात की वीडियो देख लो, आ जाओ टेलीग्राम पे रिजल्ट देख लो। तो बहुत देर से बता दिया मैंने आपको मुंबई वर्स गुजरात का, आईपीएल मेरा पूरा ही बड़ा जबरदस्त गया है, और अभी भी आईपीएल में जो आने वाले मैच है वो भी बड़े जबरदस्त है, और ये जो आज का मैच है फर्स्ट वाला लखनऊ वर्स हैदराबाद का, ये भी टापो टाप का एकदम जबरदस्त मैच है। आखिर इसमें होगा क्या उसके ऊपर बात करते हैं सीधे। बाकी भाइयों इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले पिच रिपोर्ट बताऊंगा, उसके बाद में आपका गिव अवे बताऊंगा, गिफ्ट भी रखता हूँ आपके लिए, आपका भी ध्यान रखता हूँ, आपके लिए गिव अवे है, और फिर उसके बाद में सारे प्लेयर्स के ऊपर बताऊंगा, फिर टीम बना के बताऊंगा कौन चलेगा कौन फ्लॉप होगा। इस मैच में काफ़ी कम सिलेक्शन वाले प्लेयर्स चलने वाले हैं जिनको कोई नहीं उठाने वाला है, और यही बात मैंने लास्ट मैच में बताई थी। अरे यार वो तो बस क्रिस जोर्डन वो कैच नहीं छोड़ता ना कुमार कार्तिका की बॉल में, तो सारी ग्रैंड लीग में आपका भाई फर्स्ट दिखता है आपको। सी ग्रीन भी अगर वो लास्ट की जो दो बॉलों पे दो कैच छूटे थे ना, एक कैच भी हो जाता ना, सारी ग्रैंड लीग में आपका भाई फर्स्ट दिखता आप। आ जाना टेलीग्राम पे देख लेना क्या टीम थी मेरी, समझ जाओगे, बोलोगे भाई यार स्मॉल लीग इतनी खतरनाक, ग्रैंड लीग भी बहुत खतरनाक थी। चलो यार बहुत देर में क्या बोलूँ, मैं तो निबंध लिख दूंगा 1 घंटे तक के, मुंबई वर्स गुजरात का भी अगर बोलूंगा तो वो कम है क्योंकि ऐसा प्रेडिक्शन दिया है। चलो बात करते हैं लखनऊ वर्स हैदराबाद के ऊपर, सबसे पहले बात करते हैं भाइयों इस मैच की पिच रिपोर्ट के ऊपर। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में मैच खेला जाएगा भाइयों, और इस पिच पे होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे भाइयों बल्लेबाजों को अच्छी हेल्प मिलती है, बल्लेबाज इन्जॉय करते हैं, अच्छा रन बनता है यहाँ पे फर्स्ट इनिंग में भी सेकेंड इनिंग में भी। लेकिन बात की जाए अब स्पिनर वर्स फास्ट बॉलर्स की, तो यहाँ पे फास्ट बॉलर्स को हेल्प है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूँ कि यहाँ पे स्पिनर्स को हेल्प मिलने वाली है आज। कल भी मैंने आपको यही बोला था कि स्पिनर्स को ज़्यादा हेल्प मिलेगी, वही हुआ। राशिद
चावला, कार्तिका, क्यों लेके गए विकेट? क्योंकि आपके भाई ने बोला था स्पिनर्स को ज्यादा हेल्प है। तो आज के मैच में भी मैं वही बोल रहा हूँ, आज के मैच में भी ज्यादा स्पिनर्स को हेल्प है। और 1 2 3 तीन स्पिनर्स को कोई भी नहीं लेने वाला है इस मैच में, और इस मैच में धमाका करने वाले हैं। हालांकि एक स्पिनर सबके पास रहेगा, उसका भी मैं आपको समझाऊंगा, उसको मैं वाइस कैप्टन बनाऊंगा। जो तीन स्पिनर रहेंगे ना, उनको कोई भी नहीं लेगा। और वो कौन से स्पिनर रहेंगे और वो क्या करेंगे इस मैच में, किसको आउट करेंगे, समझ जाओगे आप। बोलोगे भाई ये मैच में तो मैं भी लगा रहा हूँ भर के, आप भी लगाओ मैं भी लगाता हूँ। तो इस मैच में मैं भी दबा के बिल्कुल भर के लगाने वाला हूँ भाइयों। क्यों लगाने वाला हूँ? क्योंकि उस लाइक मैच है ये। चार स्पिनर बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी इनके अलावा चार फास्ट बॉलर भी आपको लेना है और तीन बल्लेबाज आपको लेना है। ठीक है, तीन बल्लेबाज कौन से लेना है वो मैं आपको बता दूंगा। तो भाई ये पिच रिपोर्ट में ज्यादा कुछ नहीं है, देखो बल्लेबाजों को हेल्प है, चार स्पिनर जो बताऊंगा वो चार स्पिनर ले लेना, और जो फास्ट बॉलर बताऊंगा उन फास्ट बॉलर को ले लेना, और बल्लेबाज जो मैं बोल दूं बस उन्हीं को लेना। ज्यादा बल्लेबाज हो मैं मत उलझना, माना कि बैटिंग फ्रेंडली विकेट है पर स्पिनर्स बल्लेबाजों को टिकने नहीं देंगे। वो कौन से हैं वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी कल जैसे मैंने आपको बताया था मुंबई वर्सेस गुजरात के मैच में कि मुझे लग रहा है मुंबई जीतेगा, मैंने पूरी वीडियो में मुंबई के गुणगान गाए, तो इस मैच में मालूम है आपको कौन जीतेगा? हैदराबाद में मैच है, मालूम है कौन जीतेगा इस मैच में भाई? लखनऊ के जीतने के 90% चांसेस है, तो लखनऊ के फेवर में मेरी टीम रहेगी और लखनऊ की टीम का ही मेरा एक कैप्टन रहेगा, और लखनऊ का एक स्पिनर ऐसा मेरे पास रहेगा जिसको कोई नहीं लेगा। रवि बिश्नोई फ्लॉप है इस मैच में, स्पिनर की बात कर रहा हूँ, लेकिन इतना बड़ा जो स्पिनर है जो सब ले रहे हैं वही फ्लॉप है। रवि बिश्नोई मेरे भाई फ्लॉप है इस मैच में, बताऊंगा आपको रीजन क्यों फ्लॉप है, समझ जाओगे। बोलोगे यार भाई आप कमाल आदमी हैं, ऐसा बोलोगे आप। चल ठीक है भाइयों, पिच रिपोर्ट आपको समझ में आ गई, बाकी मैं जब टीम बना के बताऊंगा तो और समझ जाओगे। दिन का मैच है, सूरज तपेगा और भी ज्यादा स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी, ड्यू फैक्टर का कोई रोल ही नहीं है मेरे हिसाब से। जिस टीम को टॉस विन करना चाहिए वो पहले बैटिंग करना चाहिए, क्योंकि सेकेंड इनिंग में और भी ज्यादा स्पिनर्स को विकेट सूट करेगा। तो सब कुछ समझ में आ गया आपको, चार स्पिनर जो मैं बताऊंगा उनको लेना है, रवि बिश्नोई को नहीं लेना है। रवि बिश्नोई को क्यों नहीं लेना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी LSG लखनऊ के जीतने के ज्यादा चांसेस है, लखनऊ के ज्यादा प्लेयर्स लेना है। तो इतना सब कुछ तो मैंने आपको यही समझा दी, अब तो आप वैसी टीम बना लोगे। मैं बना के बताऊं? चलो मैं फिर भी बना के बताता हूँ आपको। पिच रिपोर्ट आपको मैंने सारी बता दी भाइयों, जो जो कुछ है, बाकी जब मैं आपको टीम बना के बताऊंगा ना तो और आप अच्छे से समझ जाओगे। तो भाइयों पिच रिपोर्ट मैंने आपको अच्छे से समझा दी, और अब बात कर लेते हैं गिव अवे के बारे में। क्या है आपका गिव अवे, क्या है आपका गिफ्ट, तो वो मैं डायरेक्ट आपको ओपन करके बताता हूँ, फिर उसके बाद में मैं आपको टीम बना के बताऊंगा। तो चलते हैं, पहले आपका गिव अवे ओपन करते हैं, फिर उसके बाद में चलेंगे टीम बनाने, प्लेयर्स के ऊपर बात करने। तो सबसे पहले तो आपको गिफ्ट दे देता हूँ, मैं ओपन कर देता हूँ आपका गिफ्ट। तो भाइयों ये है वो 50,000 रुपये का गिव अवे आपके लिए, विजन 11 पर लाइव हो चुका हैदराबाद बस लखनऊ के मैच में। अगर आपके पास में विजन 11 नहीं है तो और भी बहुत ही अच्छी बात है, डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट बॉक्स में है। और विजन 11 पे ऐसे गिव अवे आपको पर डे फ्री मिलेंगे, और पता है आपको क्या मिलने वाला है? 500 रुपये भी मिलने वाला है अगर आप पहली बार डाउनलोड कर रहे हो। तो जल्दी से डाउनलोड कर लो विजन 11, और विजन 11 पे ऐसे गिव अवे आपको पर डे मिलेंगे। ठीक है भाइयों, और क्या है विजन 11 पे वो बताता हूँ आपको। 35 लाख रुपए की मेगा जीएल है भाइयों, और यहाँ पे जीएल जीतना तो भाइयों मूंगफली के दाने चबाने के जितना आसान है। यहाँ पे भाइयों कंपटीशन ही नहीं है, बंदा 9 प्लेयर लेके आता है, अगर 9 चल गए मान लो उसकी जीएल पक्की हो गई। तो भाइयों अगर आपको आसानी से ग्रैंड लीग से जीतना है तो विजन 11 पे ग्रैंड लीग खेलना स्टार्ट कर दो भाइयों। कल मैं जीत जाता, फर्स्ट रैंक आती मेरी सारी लीग में, बस क्या है विजन 11 का सर्वर डाउन हो गया था कल, नहीं तो मैं वो जो 4 करोड़ स्मॉल लीग में वो तो जीतता ही जीतता, साथ में मेगा ग्रैंड लीग भी सारी जीत जाता, क्योंकि टीम ही इतनी खतरनाक थी आपके भाई की। तो
मेगा जीएल भाइयों विजन इलेवन पे खेलो। बाकी हाँ, अब मैं आपको सबसे बड़ी बात बताता हूँ विजन इलेवन की, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और क्यों मैं इतना ज़्यादा आ जाता है, एक एक करोड़ डेढ़ डेढ़ करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करता हूँ विजन इलेवन पे, आखिर क्या वजह है और क्यों बोल रहा हूँ मैं कि कल यार 4 करोड़ रुपये जीत जाता। तो भाइयों विजन इलेवन पे चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है भाइयों विजन इलेवन पे। भाइयों एंट्री फीस बहुत कम है, जो कॉन्टेस्ट आपको दूसरी साइट पे 3,850 का मिलता है 3 मेंबर का, यहाँ पे 3,499 का मिलता है। जो कॉन्टेस्ट दूसरी साइट पे 2,999 का मिलता है, यहाँ पे 2,625 का मिलता है। तो भाइयों सारे ही कॉन्टेस्ट पे एंट्री फीस बहुत कम है। अब देखो भाई, जहाँ सस्ता मिलेगा कम में ज़्यादा मिलेगा वहीं तो आदमी जाएगा ना। तो स्मॉल लीग खेलने के लिए सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म, ग्रैंड लीग खेलने के लिए सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म, और डाउनलोड करने पर भी 500 रुपये मिल रहे हैं आपको और डेली के गिव अवे मिल रहे हैं आपको। तो भाइयों जल्दी से डाउनलोड करो और यहाँ पे एक टच में आप 200 कॉन्टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टाइम भी बचता है और भाइयों हाई इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ऐप है, करोड़ों करोड़ों रुपए आप लगा सकते हो, करोड़ों करोड़ों रुपए आप जीत सकते हो। मैं तो बोलता हूँ आप अरबों रुपए लगा सकते हो, अरबों रुपए जीत सकते हो, ऐसा ऐप है ये। यहाँ पे कुछ लिमिट नहीं है कि आपको इतने ही कॉन्टेस्ट लगाना है, यहाँ पे भाई आप अनलिमिटेड जितना चाहो उतना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया ऐप है और मैं यहीं पे खेलता हूँ भाइयों। और आओ आप टेलीग्राम पे मेरी विजन इलेवन की विनिंग देखो, एक एक दिन में आपका भाई एक एक करोड़ रुपए छाप लेता है विजन इलेवन पे, सिर्फ स्मॉल लीग खेल के। और स्मॉल लीग क्यों खेलता हूँ, यहाँ पे पैसा बचता है। अब अगर मैं 2,625 के 10 कॉन्टेस्ट लगा रहा हूँ तो मुझे पड़ रहे हैं 26,000 के, और दूसरी साइड पे लगा रहा हूँ तो पड़ रहे हैं 30,000 के। तो भाई 10 कॉन्टेस्ट पे ही 4,000 बच रहा है, 2 लीग और लग जाएगी और पैसा आ जाएगा, समझ रहे हो। तो बहुत पैसा बचता है भाइयों, यहाँ पे प्रॉफिट दुगना तिगना होता है। तो यहाँ पे खेलो भाइयों, अगर स्मॉल लीग आप खेलते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लो और आओ विनिंग देखो मेरी टेलीग्राम पे विजन इलेवन की। इस आईपीएल में आपके भाई ने तोड़फोड़ मचा के रखी है, इतना इतना छाप रहा है ना आपका भाई पर डे विजन इलेवन पे। आप एक बार आके देख लो टेलीग्राम पे, और कल की टीम देखोगे ना आप बोलोगे भाई मेरे को अब मिला काम का चैनल। कल की आप वीडियो देखोगे ना बोलोगे अब मिला भाइयों मेरे को यूट्यूब काम का चैनल, यूट्यूब का सबसे बेस्ट चैनल मिल गया मेरे को, ऐसे बोलोगे आप, ठीक है भाइयों। तो विजन इलेवन का मैंने आपको सब कुछ समझा दिया, अब बात करेंगे इस मैच की टीम के ऊपर, इस मैच के प्लेयर्स के ऊपर, किसको लेना है किसको छोड़ना है, कौन क्या करेगा और कौन किसको आउट करेगा, कौन किसको रन बनाएगा। चलो चलते हैं ड्रीम इलेवन पे, टीम बना के बताता हूँ इस वीडियो में। मैं आपको दो टीम बना के बताऊंगा, विजन इलेवन की और ड्रीम इलेवन की, दोनों ही टीमें अलग अलग बनेगी। क्यों अलग अलग बनेगी आप समझ जाओगे। और हाँ, एक जो टीम बनाने का फीचर है विजन इलेवन का, वो सुनकर तो भाइयों आप बिल्कुल फटाक से इंस्टॉल कर लोगे और खेलने लगोगे। वो फीचर मैं आपको बताऊंगा टीम बनाते हुए समझाऊंगा। तो चलते हैं अभी ड्रीम इलेवन पे, ड्रीम इलेवन पे पहले मैं आपको टीम बना के बताता हूँ, फिर विजन इलेवन पे टीम बना के बताता हूँ। तो भाइयों ड्रीम इलेवन ओपन कर लेता हूँ मैं, ड्रीम इलेवन ओपन हो गया भाइयों। सबसे पहले आ जाते हैं विकेट कीपर सेक्शन में, विकेट कीपर कितने लेना है आपको इस मैच में, सब तो 3 ले रहे हैं, आप कितने लोगे, एक लेना बस, ठीक है बताऊंगा किसको लेना है। तो भाइयों विकेट कीपर सेक्शन में पूरन खेलने वाला है, क्विंटन डिकॉक खेलने वाला है, हेनरी क्लासेन खेलने वाला है, ग्लेन फिलिप्स भी खेलने वाला है, 4 विकेट कीपर खेलने वाले हैं, जिनमें से क्विंटन डिकॉक ओपनिंग प्लस विकेट कीपरिंग दोनों करेगा, हेनरी क्लासेन विकेट कीपरिंग करेगा और चौथे से पांचवें नंबर पे बल्लेबाजी करेगा। बाकी पूरन थोड़ा नीचे आएगा और ग्लेन फिलिप्स भी नीचे आएगा, ये दोनों विकेट कीपरिंग नहीं करेंगे, ठीक है, और नीचे भी आएंगे, ऊपर क्लासेन और डिकॉक आएंगे। अब बात कर ली जाएगी मैं लेने वाला किसको हूँ, तो भाइयों आपको भी उलझना नहीं है, डिकॉक के साथ में चले जाओ, विकेट कीपरिंग से भी पॉइंट दिलाएगा। और क्या है कि लखनऊ के स्पिनर्स चलने वाले हैं इस मैच में, तो आपको स्टंपिंग वगैरह कैच वगैरह
और फास्ट बॉलर भी चलते हैं तो भी कैच वगैरह पकड़ के देगा, साथ में ओपनिंग भी करेगा। डिकॉक भाई वो आईपीएल में कंसिस्टेंट रन बनाता है, लास्ट मैच में देखा, पहला मैच था और धमाकेदार पारी खेली, 70 रन बनाए थे शायद। तो डिकॉक के साथ में चले जाओ, मत हो परेशान, ठीक है। बाकी और किसी को नहीं लूँगा भाइयों, चाहो तो क्लासेन को आप ट्राई कर सकते हो, विकेट कीपिंग प्लस बैटिंग दोनों ही अच्छी कर लेता है, विकेट कीपिंग तो आप सभी विकेट कीपर अच्छी करते हैं। तो बाकी बात कर ली जाए पूरन की, तो मैं ड्रॉप करूँगा, ग्लेन फिलिप्स को भी मैं ड्रॉप करूँगा, रीज़न है मेरे पास, मैं आगे बताऊँगा आपको, ठीक है। ग्लेन फिलिप्स को ड्रॉप करने का, क्लासेन को ड्रॉप करने का, निकोलस पूरन को ड्रॉप करने का, तीनों को ड्रॉप करने का मेरे पास में बहुत बड़ा रीज़न है, अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। अभी चलते हैं बैटिंग सेक्शन में। तो बैटिंग सेक्शन में भाइयों, राहुल त्रिपाठी खेलने वाला है, अभिषेक शर्मा खेलने वाला है, और यहाँ से हेरी ब्रुक भी इस मैच में खेल सकता है, पर यार ग्लेन फिलिप्स भी तो खेल रहा है, कहाँ खिलाएंगे वो हेरी ब्रुक को। ग्लेन फिलिप ने तो हारा हुआ मैच जितवाया लास्ट मैच में। बाकी बदोनी सब्स्टिट्यूट के तौर पे खेला था लास्ट मैच में, हो सकता है इस मैच में भी आपको सब्स्टिट्यूट में ही खेलता हुआ दिखाई दे। दीपक हुडा खेलने वाला है, अब्दुल समद क्या यार जबरदस्त, क्या मतलब, राजस्थान के हलक में से जीत खींच के निकाल ली, हरा दिया उनको, हार दे दी उनके हलक में, भर दी हार। तो अब्दुल समद जबरदस्त, पर बैटिंग बहुत नीचे करता है। बाकी भाई यहाँ से करुण नायर भी ज्वाइन कर चुका है लखनऊ को, केएल राहुल की रिप्लेसमेंट है ये। और यहाँ से एस व्यास एसआरएच में अभी नया नया आया है। चलो बात कर ली जाए कि बैटिंग सेक्शन में किस किस को लेना है। तो भाइयों ड्रीम इलेवन पे ज़्यादा बल्लेबाज नहीं लूँगा मैं, किस किस को लूँगा वो मैं आपको बताता हूँ, क्यों लूँगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो भाइयों यहाँ से मैं सबसे पहले लूँगा राहुल त्रिपाठी को। राहुल त्रिपाठी भाइयों बड़ा ही जबरदस्त बल्लेबाज है, वन डाउन बैटिंग करता है, स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है, लेफ्ट आर्म स्पिनर हो या राइट आर्म ओप स्पिनर हो या फिर लेग स्पिनर हो या लेफ्ट आर्म चाइनामैन स्पिनर हो, सभी को बहुत अच्छे से खेलता है। बाकी इसका फॉर्म तो बहुत अच्छा है, पर ये जल्दबाजी जल्दबाजी करके चला जाता है, लेकिन भाई वो प्लेयर बड़ा शानदार है, और बैटिंग सेक्शन में देखा जाए तो सबसे बेस्ट राहुल त्रिपाठी रहेगा इस मैच में, लेने वाला हूँ, और बढ़िया काम आपको इस मैच में करता दिखाई देगा। राहुल त्रिपाठी ने जब लास्ट टाइम भी जब लखनऊ वर्सेस हैदराबाद का मैच हुआ था उसमें भी बढ़िया इनिंग खेली थी, तो इस मैच में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेके चलो। अब बात की जाए अभिषेक शर्मा की, तो भाई अभिषेक शर्मा इस मैच में रिस्की है। अब अभिषेक शर्मा क्यों रिस्की है उसका मेरे पास में एक रीज़न है, क्या है कि भाइयों अभिषेक शर्मा लेफ्टी है और इनके पास में जो इनका रवि बिश्नोई है, वैसे तो वो जल्दी आउट कर देता है लेफ्टियों को, पर मुझे लग रहा है ना कि अभिषेक शर्मा इस मैच में जल्दी चला जाएगा, मोहसिन खान या फिर कोई दूसरा फास्ट गेंदबाजी जल्दी से आउट कर देगा पावर प्ले में अभिषेक शर्मा को, तो ध्यान रखना अभिषेक शर्मा थोड़ा सा इस मैच में रिस्की रहेगा। बाकी हाँ बॉलिंग से लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग डालता है ले सकते हो, क्योंकि बॉलिंग डाल सकता है अगर लखनऊ की तरफ से राइट हैंडर स्ट्राइक पे रहेंगे तो, और लखनऊ की टीम में राइट हैंडर्स हैं तो उनको आउट करने के लिए अभिषेक शर्मा बढ़िया रह सकता है। पर क्या है कि भाई इस मैच में मैं ऑलरेडी दूसरे प्लेयर लेने वाला हूँ, तो अभिषेक शर्मा की मेरी टीम में जगह बन नहीं रही है। और क्या है बिश्नोई का डर भी है, बिश्नोई जैसे ही आएगा वैसे ही अभिषेक शर्मा जाएगा, क्योंकि वो लेफ्टियों को आउट करता है बिश्नोई, लेकिन अभिषेक शर्मा भाई वैसे तो पावर प्ले के बाद आता है बिश्नोई, तो हो सकता है पावर प्ले में चल जाए। पर भाइयों अभिषेक शर्मा को मैं ड्रॉप ही कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसकी जगह पे दूसरा प्लेयर लेना है, नहीं तो मेरी टीम ही कंप्लीट नहीं हो पाएगी अगर मैं अभिषेक शर्मा को ले लूँगा। लेकिन हाँ विजन 11 पे जरूर लूँगा अभिषेक शर्मा को, उसका रीज़न है कि वहाँ पे आपको 3 बल्लेबाज रखना पड़ते हैं, अब यहाँ पे आप 2 से भी काम चला सकते हो, 1 से भी काम चला सकते हो, तो बस यही रीज़न है कि जिस वजह से मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। चलो आपको बता देता हूँ यार सीधी सी बात है, क्या है कि मैं काइल मायर्स को लेने वाला हूँ इस मैच में, तो काइल मायर्स को ले रहा हूँ तो फिर मैं अभिषेक शर्मा को नहीं ले पा रहा हूँ, मैनेज नहीं हो पा रहा है, ठीक है ये बात है मेन। बाकी हाँ विजन 11 पे जरूर लूंगा, क्योंकि इस मैच में अभिषेक शर्मा के चलने के चांसेस है, खासकर पावर प्ले तक चलने के चांस है, बिश्नोई आएगा तो आउट कर देगा, और क्या है कि बॉलिंग भी डाल सकता है, इसलिए मैं अभी नहीं ले रहा हूँ, आप चाहो तो बिल्कुल ले सकते हो अभिषेक शर्मा को, लेकिन इसका है ना ये कभी कभी चलता है,
लास्ट मैच में बोला था चलेगा, लास्ट मैच में चल गया, इस मैच में थोड़ा मेरे को मुश्किल ही लग रहा है चलना, तो देख लेना आप चाहो तो पिक कर सकते हो। वैसे इस पिच पे स्पिनर्स को हेल्प भी मिलने वाली है, तो अभिषेक शर्मा आपको बॉलिंग भी डालता हुआ दिखाई दे सकता है, पर थोड़ा सा मुश्किल है। उसका एक रीज़न है, क्या है कि सामने वाली टीम जो है लखनऊ की, उसमें लेफ्टी ज़्यादा है, पूरन है, डिकोक है, मायर्स है और कुणाल पांड्या है। तो अगर एक लेफ्टी भी अगर स्ट्राइक पे रहेगा ना भाइयों, तो फिर अभिषेक शर्मा बॉलिंग डालेगा नहीं, और बैटिंग से अगर पावर प्ले में आउट हो गया तो फिर बिश्नोई तक के बाद भी नहीं जाएगी, शुरू में ही काम खत्म हो जाएगा, रोल खत्म हो जाएगा अभिषेक शर्मा का। तो ये चीज़ है, लेफ्टी ज़्यादा है सामने वाली टीम में और ये लेफ्ट आर्म स्पिनर है, बॉलिंग डालने के चांसेस कम है, और बैटिंग से मुझे लग रहा है कि पावर प्ले में मोहसिन खान आउट कर देगा, मोहसिन खान नहीं तो फिर वो 6 ओवर तक के फिर आएगा, वो क्या नाम है उसका, रवि बिश्नोई, वो आउट कर देगा। तो हाईएस्ट 7 ओवर तक खेल सकता है बैटिंग से, चाहो तो ट्राई कर सकते हो, सिलेक्शन अच्छा खासा है। और बैटिंग सेक्शन में अगर आप दूसरी साइड पे खेलते हो जहाँ पे 3 बल्लेबाज लेना ज़रूरी है, तो उसमें आप कंडीशन में ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अभिषेक शर्मा का बता दिया मैंने आपको, बाकी हाँ होगा तो मैं भी ले लूँ, लेकिन मैं मुश्किल ही है मेरा इस मैच में लेना, क्योंकि मेरी टीम रहेगी इनके फेवर में, क्या बोलते हैं, लखनऊ के फेवर में। जब मैंने गिल को छोड़ दिया, कल सहा को छोड़ दिया, तो अभिषेक शर्मा क्या, कौन सी बड़ी बात है अभिषेक शर्मा को छोड़ना, है ना। तो मैं अभिषेक शर्मा को ड्रॉप करने का सबसे बड़ा रीज़न एक ये भी है कि सामने वाली टीम में लेफ्टी ज़्यादा है और ये लेफ्ट आर्म स्पिनर है, बॉलिंग डालने के चांसेस नहीं है, और ओपनर को मैं हटाऊंगा क्योंकि मुझे जितवाना है लखनऊ को। ठीक है, ड्रीम इलेवन पे मैं नहीं लूंगा, लेकिन हाँ विजन इलेवन पे ले लूंगा, क्योंकि विजन इलेवन पे 3 बल्लेबाज रखना पड़ते हैं। बाकी बात की जाए आयुष बदोनी की, तो भाई वो बल्लेबाज बड़ा ही जबरदस्त है, पर सब्स्टिट्यूट के तौर पे खेलता है और बैटिंग थोड़ी नीचे करता है, तो देख लेना, ये भी ग्रैंड लीग की पिक अच्छी रहेगा, खासकर जब लखनऊ की टीम पहले बैटिंग करती है। ठीक है, लखनऊ की टीम अगर बाद में बैटिंग करती है तो ड्रॉप कर देना। बात की जाए दीपक हुडा की, तो भाई वो दीपक हुडा इस मैच में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब दीपक हुडा इतना इम्पोर्टेंट क्यों रहेगा, वो ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, उसका मेरे पास में बहुत बड़ा रीज़न है कि दीपक हुडा इस मैच में क्यों इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। दीपक हुडा भाई वो राइट हैंडर बल्लेबाज है, और सामने वाली जो टीम है ना हैदराबाद की, उनमें कोई भी लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं है। है अभिषेक शर्मा है, पार्ट टाइमर है, कभी कभार डालता है, और अगर लेफ्टी अगर साथ में रहेगा हुडा के, जैसे मान के चलो मायर्स आउट हो रहा है, डिकॉक आउट हो रहा है, तो एक लेफ्टी तो साथ में रहेगा ही, वन डाउन बैटिंग कर रहा है हुडा, तो उस कंडीशन में फिर अभिषेक शर्मा को बॉलिंग दी भी नहीं जाएगी। अगर हाँ दो राइटी अगर हो जाते हैं स्ट्राइक पे, हुडा के साथ में एक आध दो राइटी हो जाता है जैसे स्टोइनिस, तो फिर आएगा अभिषेक शर्मा बॉलिंग करने, फिर उस कंडीशन में हुडा का विकेट जा सकता है। नहीं तो क्या है, लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन रहता है ना, तो भाई वो क्या करते क्या है बल्लेबाज, सिंगल लेके लेफ्ट आर्म स्पिनर को लेफ्टी के सामने लगा देते हैं, तो लेफ्टी लेफ्ट आर्म स्पिनर को खेलता है, अगर ऑफ स्पिनर रहता है तो उसको लेफ्टी स्ट्राइक दे देता है राइटी को, तो राइटी उसको खेलता है, तो ऐसा चलता है भाई वो गेम। लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन इसलिए बना के चलती है टीम्स, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिन राइट आर्म ऑफ स्पिन का खतरा रहता है बल्लेबाजों को, राइट हैंडर्स लेफ्ट हैंडर्स को। तो दीपक हुडा को मैं लूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभिषेक शर्मा आएगा सामने, और हुडा ने अभी तक आईपीएल में कुछ नहीं करा है, इस मैच में आपको कुछ ना कुछ जरूर करके देता हो दे सकता है, लेकिन भाई इसकी बहुत गंदी आदत है, पुरानी आदत है, 0 पे आउट हो जाता है, बहुत बार देखा है मैंने, अनगिनत बार देखा है इसको मैंने, 0 पे चला जाता है, और ये आईपीएल भी बहुत फीका चल रहा है दीपक हुड्डा का, मतलब अब इंडिया में जगह नहीं है, अब अगर कुछ नहीं करोगे तो तुम्हारी जगह नहीं है भाई हुड्डा, अब टीम में जगह नहीं मिलेगी आपको इंडिया की। भले आपने शतक लगाया था ओपनिंग करते हुए इंडिया में आके, लेकिन आईपीएल में बहुत बेकार खेले हो आप, तो ध्यान रखो हुडा को भाइयों, मुश्किल है अब इंडिया में जगह मिलना, अगर इस मैच में नहीं चला तो फिर तो और भी हालत ख़राब हो जाएगी हुडा की, लेकिन फिर भी मैं हुडा को लेने वाला हूँ, क्योंकि वन डाउन बैटिंग करेगा, लखनऊ को फेवर कर रहा हूँ तो बल्लेबाज तो लेना बनता है ना लखनऊ का एक, तो हुडा को मैं लेने वाला हूँ, टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है, बाकी और कोई अच्छा ऑप्शन भी नहीं है ना यार, अब किसको लोगे आप, समझ बहुत नीचे आता है, बदोनी बहुत नीचे आता है, अभिषेक शर्मा को मैं जानबूझ के ड्रॉप कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे को वहाँ से मायर्स को लेना है, फिर अगर इसको लूँगा तो फिर मायर्स नहीं ले पाऊँगा,
मयंक अग्रवाल को मैं लूंगा नहीं, क्योंकि मयंक अग्रवाल तो स्पिन के खिलाफ बहुत ही गंदा है, और सामने वाली टीम में मयंक वो है कुणाल पांड्या है, तो मैं मयंक अग्रवाल को भी नहीं लूंगा। हैरी ब्रुक तो खेलता है तो भी मत लेना भाइयों, बहुत गंदा है स्पिन के खिलाफ, आता है जाता है, आता है चला जाता है। तो यहाँ से भाइयों मैं ये दो ही बल्लेबाज लूंगा। अब जो तीन विकेट कीपर मैंने छोड़े थे ना, अब उनका बताऊंगा मैं आपको क्यों छोड़े थे और उनको कौन आउट करेगा। तो चलते हैं सीधे ऑलराउंडर सेक्शन में। और बाकी यहाँ से भाइयों करुण नायर भी आ गया है। देखो करुण नायर अगर खेलता है तो आप चाहो तो हुडा की जगह पे करुण नायर को भी ले सकते हो। अगर करुण नायर खेलेगा तो फिर हुडा से ऊपर आएगा, फिर उस कंडीशन में मैं हुडा को हटा के करुण नायर को ले लूँगा। भाई हुडा का फॉर्म इतना बेकार है, कौन लेगा? तो करुण नायर अगर खेलेगा तो करुण नायर को लूँगा, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। बाकी यहाँ से करण शर्मा, मनन वोरा, ये तीन जो बल्लेबाज हैं ये टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं। अगर इनमें से कोई भी एक खेलता है तो फिर हुडा को मैं हटा के इन तीनों में से किसी एक को ले लूँगा। समझ गए, तीनों राइट ही हैं और तीनों ज़बरदस्त हैं, अच्छे प्लेयर हैं। करुण नायर तो बहुत अच्छा प्लेयर है। चलते हैं अब ऑलराउंडर्स में। ऑलराउंडर्स में है भाइयों हीरे की खदान है ऑलराउंडर्स में। चलो बताता हूँ आपको कौन कौन क्या क्या करने वाला है, किस किस को मैं क्यों लेने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात कर ली जाए कौन कौन खेलने वाला है। तो भाइयों माकरम खेलने वाला है, काइल मायर्स खेलने वाला है, मार्कस स्टोइनिस भी खेलेगा, कुणाल पांड्या भी खेलने वाला है, मार्को यंसन भी खेलने वाला है। और यहाँ से एस सिंह खेलने वाला है इस मैच में लखनऊ की तरफ से। बाकी विभ्रांत शर्मा का थोड़ा सा मुश्किल है इस मैच में खेलना, क्योंकि लास्ट मैच खिलाया कुछ किया नहीं था वी शर्मा ने। ठीक है भाइयों, तो जो जो खेलने वाले थे वो मैंने आपको बता दिया। अब बात कर ली जाए कि ऑलराउंडर सेक्शन में मैं किस किस को लेने वाला हूँ। काम की बात है, अच्छे से सुन लो। जो तीन विकेट कीपर छोड़े हैं ना, उनका मैं बताऊंगा आपको क्यों छोड़े हैं, और ऑलराउंडर्स में को ऑलराउंडर कौन कौन से क्यों ले रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। तो भाइयों सबसे पहले मैं लेने वाला हूँ इस मैच में कुणाल पांड्या को। कुणाल पांड्या इस मैच में सबसे ज़बरदस्त रहने वाला है। क्यों रहने वाला है, उसका रीज़न है, क्या रीज़न है वो मैं आपको बताता हूँ। यह है लेफ्ट आर्म स्पिनर, और हैदराबाद की टीम में अभिषेक शर्मा को हटा दोगे तो पूरे के पूरे है राइट हैंडर्स। वी शर्मा है लेफ्टी, लेकिन वो आता ही नहीं बैटिंग पे, उसको तो लास्ट मैच में पहुँचाया ही नहीं था। तो भाइयों राइटियों की भरमार है एसआरएच की टीम में, और जब लास्ट टाइम लखनऊ वर्सेस एसआरएच का मैच हुआ था ना, तो उस मैच में भी मैंने आपको यही बात बताई थी कि भाइयों राइट हैंडर ज़्यादा है और कुणाल पांड्या इकलौता लेफ्ट आर्म स्पिनर है, विकेट लेने वाला है। कुणाल पांड्या ने उस मैच में 151 पॉइंट दिलाए थे मुझे, मेरा कैप्टन था, याद होगा आपको, अगर उस मैच में आपने टीम लगाई थी और टीम मेरी देखी होगी, वीडियो मेरी देखी होगी, तो याद होगा कुणाल पांड्या ने उस मैच में मुझे, कुणाल पांड्या के मेरे पास में उस मैच में अमित मिश्रा भी था, अमित मिश्रा ने भी दो विकेट लिए थे, जयदेव नाटकट को ड्रॉप किया था विकेट लेस गया था, आवेश खान को ड्रॉप किया था विकेट लेस गया था, बिश्नोई को ड्रॉप किया था, सिर्फ एक विकेट मिला था मुश्किल से। तो भाई वो मैच तो मेरा बड़ा ज़बरदस्त गया था दोनों ही टीमों के बीच में जो लास्ट मैच हुआ था। तो इस मैच में भी भाई कुणाल पांड्या बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका रीज़न है कि देखो हैदराबाद के खिलाफ लेफ्ट आर्म स्पिनर का चलना कन्फर्म है। क्यों कन्फर्म है, क्योंकि सबके सब राइट ही हैं, एक अभिषेक शर्मा को हटा दोगे तो। केकेआर वास एसआरएच के मैच में मैंने अनुकूल सुधाकर रॉय का आपको बताया था, और अनुकूल सुधाकर रॉय ने ग्रैंड लीग जितवाई थी, कई सारे मेरे मेंबर्स ग्रैंड लीग जीते थे, सब्स्टिट्यूट में था प्लेयर, फिर भी मैंने बोला था ले लेना। तो जब 0% वाला प्लेयर मैं बोल रहा हूँ कि एसआरएच के खिलाफ ले लो आप लेफ्ट आर्म स्पिनर, तो ये तो कुणाल पांड्या है, और लास्ट मैच में भी 3 या 4 विकेट चटका के आया है जब इनका मैच हुआ था, और कुणाल पांड्या बैटिंग भी ऊपर करता है। तो भाइयों इस मैच में आप सिलेक्शन मत देखो, सिर्फ 48% सिलेक्शन है कुणाल पांड्या का इस मैच में। कैप्टन बॉयज कैप्टन के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, दिन का मैच है, स्पिनर्स को हेल्प भी मिलेगी, तो कुणाल पांड्या इस मैच में आपको बड़ा काम करके देगा। 100-150 पॉइंट कहीं नहीं जा रहे भाइयों इस मैच में कुणाल पांड्या के। सीएसके वास एसआरएच का मैच हुआ था, जडेजा ने 3 छटकाए थे, याद होगा आपको, कैप्टन था मेरा उस दिन भी, कुणाल पांड्या ने छटकाए थे, अनुकूल सुधाकर रॉय सब्स्टिट्यूट में आके छटका के गया,
तो इनकी जो टीम है ना SRH की, उनमें राइट ही ज़्यादा है, कमजोरी वही है। सामने वाली टीम में जब भी लेफ्ट आर्म स्पिनर आता है विकेट ले जाता है। तो भाइयों ध्यान रखना, कुणाल पांड्या इस मैच में विकेट चटकाने वाला है और बैटिंग आएगी तो रन भी मार देगा। और क्या है कि देखो आप कप्तान हैं, जैसा हार्दिक पांड्या वन डाउन आ जाता है वैसे कुणाल पांड्या भी ऐसा ही आदमी है। सबसे ये दोनों भाई करते क्या है, सबसे पहले खुद को मौका देते हैं, पहले खुद जाते हैं बल्लेबाजी करने। तो वो चीज़ है इनके साथ में। कुणाल पांड्या भी आपको ऊपर बल्लेबाजी करता हुआ दिखाई देगा इस मैच में। बल्लेबाजी प्लस गेंदबाजी दोनों से आपको बढ़िया काम करके देने वाला है इस मैच में। तो कुणाल पांड्या को आंख बंद करके रख लो मेरे कहने पे आप, ठीक है? और मेरा तो CVC रहेगा भाई इस मैच में। अब और किसको लेने वाला हूँ, तो भाई ऐसा प्लेयर लेने वाला हूँ जैसे अनुकूल सुधाकर रोए था KKR SRH के मैच में, ठीक उसी तरह एक और लेफ्ट आर्म स्पिनर है लखनऊ की टीम में, एक और लेफ्ट आर्म स्पिनर खेल रहा है जिसने लास्ट मैच में बॉलिंग ज्यादा नहीं करी थी, पर इस मैच में पूरे 4 ओवर गेंदबाजी करने वाला है। पता है कौन है वो? तो उसका नवा उसका नाम है भाइयों यहां से S. सिंह, स्वप्निल सिंह। हाँ स्वप्निल सिंह लेफ्ट आर्म स्पिनर है ये, इसको ले लो। 0% सिलेक्शन, कौन लेगा भाइयों ऐसा प्लेयर इस स्मॉल लीग में? जैसा कल मैंने कुमार कार्तिका का बताया था, कौन लेगा उसको? आपका भाई लेता है। तो भाइयों ये भी उसी तरीके का काम करके देगा आपको जैसा अनुकूल सुधाकर रोहे ने करके दिया था आपको SRH के खिलाफ, KKR की टीम का जो अनुकूल सुधाकर रोहे। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ से स्वप्निल सिंह बैटिंग भी करता है, विकेट टेकर गेंदबाज है ये। पता नहीं मुझे समझ में नहीं आया लास्ट मैच में बॉलिंग क्यों नहीं दी गई पूरी। तो इस मैच में भाई ये बॉलिंग डालने के पूरे पूरे चांसेस हैं। उसका रीज़न है कि SRH में पूरे राइट हैंडर्स हैं, तो राइट हैंडर्स के विकेट मिलते हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को। और कुणाल पांड्या का भी सिलेक्शन कम और यहाँ से S. सिंह का सिलेक्शन भी 0%। तो समझ रहे हो मैच कहाँ जा रहा है? ये मैच जा रहा है क्लीन स्वीप अप टू मिनी ग्रैंड लीग्स करने, ग्रैंड लीग्स जीतने जा रहा है ये मैच भी भाई जबरदस्त रहने वाला है। क्योंकि ऐसा प्लेयर कौन लेगा इस स्मॉल लीग में? S. सिंह कौन लेगा? आपका भाई लेगा, जैसे कल गिल को छोड़ा, आज अभिषेक शर्मा को छोड़ रहा है। लेकिन हाँ मैं विजन 11 पे लूंगा अभिषेक शर्मा को, है ना, क्योंकि वहां पे 3 बल्लेबाज रखना पड़ते हैं। तो यहाँ से S. सिंह को ले रहा हूँ भाइयों। वही वाली बात कुणाल पांड्या पे जो मैंने आपको बोली, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, राइट ही ज्यादा है। तो इतने सारे राइट ही है कि 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर के भी 8 ओवर कम पड़ने वाले हैं लखनऊ की तरफ से। तो दोनों अपने 4 4 ओवर गेंदबाजी करेंगे, कुणाल पांड्या भी और S. सिंह भी। पता चल रहा है कुणाल पांड्या से ज्यादा पॉइंट ले जाए S. सिंह इस मैच में, क्योंकि दोनों ही लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। पता चल रहा है कुणाल पांड्या से विकेट चटकाए नहीं गए और राइटियों को आउट करके चला गया S. सिंह। तो S. सिंह को लेने का एक रीज़न ये भी है बहुत बड़ा। तो भाई इस मैच में 100% कन्फर्म है कि खेलने वाला है और बिल्कुल मैं लेने वाला हूँ, पूरी 20 टीम में लेने वाला हूँ। तो S. सिंह ग्रैंड लीग जिताने वाला प्लेयर, इस स्मॉल लीग में अल्ट्रा क्लीन स्वीप करवाने वाला प्लेयर रहेगा इस मैच में। तो ले लो आग बंद करके, ठीक है? अब और किसको लेने वाला हूँ, तो भाइयों अब मैं लेने वाला हूँ माकरम को। माकरम को तो वैसे सभी लोग लेंगे, पर मैं आपको बता दूं कि माकरम इस मैच में अपने 4 ओवर गेंदबाजी करेगा और प्लस बैटिंग तो करता ही करता है। 4 ओवर गेंदबाजी क्यों करेगा वो मैं आपको समझाता हूँ। क्विंटन डिको, निकोलस पुरन, कायल मायर्स, कुणाल पांड्या, भाई टॉप के 5 जो बल्लेबाज हैं उनमें 4 लेफ्टी हैं और माकरम बॉलिंग सिर्फ और सिर्फ डालता है लेफ्टियों के सामने। ओप स्पिनर गेंदबाज हैं और लेफ्टियों के विकेट बड़े आराम से चटकाता है। साउथ अफ्रीका T20 हुआ था अभी से 3 से 4 महीने पहले, बैक टू बैक हर मैच में विकेट चटकाए थे लेफ्टियों के। और देखा है मैंने, मतलब साउथ अफ्रीका की तरफ से भी जब भी खेलता है तो लेफ्टी अगर स्ट्राइक पे रहते हैं तो बॉलिंग पे आ जाता है। इसका काम ही यही है, बॉलिंग ये जब भी डालता है जब लेफ्टी स्ट्राइक पे होते हैं। और भाई वो लखनऊ की टीम में तो लेफ्टियों की भरमार है, कितने सारे लेफ्टी है गिनोगे ना? गिना दिए मैंने, 4 लेफ्टी है, 5 बल्लेबाजों में 4 लेफ्टी है। तो भाई वो माकरम के इस मैच में विकेट कंफर्म है। माकरम, कुणाल पांड्या और S. सिंह, इन तीनों के विकेट कंफर्म है इस मैच में। और जिनमें से कुणाल पांड्या और S. सिंह किसी के पास में नहीं है, बाकी हो सकता माकरम पे भी लोग रिस्क ले लें, छोड़ दें, क्योंकि लास्ट कुछ मैचों में कुछ करा नहीं है।
तो माकरम पे भी इस मैच में लोग दाव खेलेंगे, तो भाई वो माकरम भी बहुत ज़बरदस्त है। और क्या है कि देखो, ग्रैंड लीग जीतने के लिए आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखना होती है, तभी ग्रैंड लीग विन होती है। अभी तक आपके भाई ने इतनी सारी ग्रैंड लीग क्यों जीती? क्योंकि सब कुछ समझना पड़ता है, ऐसा ही नहीं कि भाई तुक्के में टीम बना के आ गए जीत गए, ऐसा नहीं होता है। ग्रैंड लीग मैंने 134 बार जीती है, यही सब वजह है। सब ध्यान में रखना पड़ता है, कौन किसको आउट करेगा, किसका विकेट कौन लेगा। तो माकरम 4 विकेट इस मैच में निकाल सकता है, 4 लेफ्टी है, 4 नहीं तो 3 निकाल ले, पता चल रहा एक ही निकाल ले तो आपका तो काम हो गया ना यार, ड्रीम टीम में आ गया, पता चल रहा कुछ रन बना दिए तो बॉलिंग डालेगा। माकरम को ले लो भाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। ठीक है, अब और किसको लेने वाला हूँ मैं? तो भाई यहाँ से मार्कस स्टोइनिस को लेने वाला हूँ। अब स्टोइनिस को क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि भाई ये डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करता है, और मैंने देखा है ये स्पिन फ्रेंडली विकेटों पे ज़्यादा विकेट लेता है। कटर मारता है डायरेक्ट, गेंद कटते हुए स्टम्प में जाती है, बाउंसर मारता है कि बल्लेबाज कुछ रिस्क ले और आउट हो, विकेट चटकाने में ध्यान देता है मार्कस स्टोइनिस। विकेट टेकर गेंदबाज है तो ध्यान रखना, मार्कस स्टोइनिस बॉलिंग डालने आएगा तो विकेट लेने के लिए आएगा बॉलिंग डालने, तो मार्कस स्टोइनिस को लेके चलो। प्लस बल्लेबाजी भी बहुत अच्छी करता है, तगड़ा बल्लेबाज है, लंबा चौड़ा बल्लेबाज है, लंबे लंबे छक्के मारता है, चिंगम चबा के खेलता है। और भाइयों, मुझे फर्स्ट टाइम जब मैं ग्रैंड लीग जीता था ना, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैच में जीता था, उस टाइम पे मार्कस स्टोइनिस को मैंने कैप्टन बनाया था। तो उतनी पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है, 2017 या 2018 की बात है, हाँ 2018 की बात है वो। तो उस टाइम से मैं मतलब मार्कस स्टोइनिस को लेता आया हूँ, और छोड़ता भी हूँ, बहुत बार छोड़ता हूँ मार्कस स्टोइनिस को, और जब छोड़ता हूँ तब फ्लॉप होता है, लेकिन इस मैच में नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि बॉलिंग डालेगा प्लस बैटिंग करेगा, चौथे नंबर पे बल्लेबाजी, पता चल रहा है वन डाउन ही आ जाए बैटिंग करने, तो ध्यान रखना। टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करता है, सिलेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा है, आपके ओपोनेंट्स लोग CVC बनाएंगे, मैं बोलूँगा आप CVC मत बनाओ पर टीम में ले लो, क्योंकि ये डेथ ओवर्स में इसको विकेट मिल जाते हैं, और स्पिन फ्रेंडली विकेटों पे इसको विकेट मिल जाते हैं। याद होगा आपको चेन्नई का मैच, ओ चेन्नई की पिच का मैच, इंडिया वास ऑस्ट्रेलिया, 10 ओवर गेंदबाजी, 2 विकेट, तो ये चीज़ है। ठीक है, मार्कस स्टोइनिस को ले लो, लेने वाला हूँ मैं भी। अब भाइयों, और किसको लेने वाला हूँ मैं? तो भाइयों एक लेने वाला हूँ मैं यहाँ से, काइल मायर्स को। वैसे काइल मायर्स को डर रहेगा एडेन माकरम का, क्योंकि माकरम आके आउट कर सकता है, पर भाइयों मायर्स बल्लेबाज अच्छा है, और अगर आप लखनऊ को जिता रहे हो तो फिर इनफॉर्म बल्लेबाज तो लखनऊ को लेना बनता है। अब मैं लखनऊ को जिता रहा हूँ तो इनफॉर्म बल्लेबाज जो है काइल मायर्स, अभिषेक शर्मा को हटा के ले रहा हूँ, बताया ना मैंने आपको। वैसे भाइयों काइल मायर्स फ्लॉप हो सकता है अगर शुरू में एडेन माकरम बॉलिंग पे आ जाए तो, क्योंकि इसकी कमजोरी है बहुत बड़ी ऑफ स्पिन, ऑफ स्पिनर की बॉल पे हमेशा अपना विकेट देके चला जाता है। देखा था ना, मोइन अली आया था ले गया था, उसके बाद में भी CS के बाद LSG का जो मैच हो रहा था उसमें भी ऑफ स्पिनर ले गया था मोइन अली फिर से शायद से। तो ध्यान रखो, ऑफ स्पिन पे आउट हो जाता है ये बंदा, अगर माकरम जल्दी से आ गया तो जा सकता है, फिर आप रिस्क लेके इसकी जगह पे किसी और को भी ले सकते हो, पर मैं ले रहा हूँ, सिलेक्शन बहुत ज़्यादा है, और क्या है कि इस मॉलिंग में बहुत से लोग CVC भी बनाएंगे, और क्या है कि ना लखनऊ के पास में अभी बॉलर्स कम पड़ रहे हैं, तो कुछ ओवर आपको बॉलिंग भी डाल के दे सकता है, तो मायर्स को मैं लेने वाला हूँ। लेकिन हाँ, विजन 11 पे नहीं लूँगा, ठीक है, विजन 11 पे मैं ड्रॉप करूँगा, समझ जाओगे क्यों ड्रॉप करूंगा। बाकी भाइयों, मार्को एंसन को मैं नहीं लेता हूँ, कभी नहीं लेता हूँ मैं मार्को एंसन को, इस मैच में भी नहीं लूंगा, क्योंकि इसकी कमजोरी है पावर प्ले में, पूरे 3 ओवर डाल देता है, अगर पिटाई हो जाती तो फिर 4th ओवर नहीं मिलता है, और मुझे नहीं लगता कि डिकॉक और काइल मायर्स का विकेट इसको मिल पाया गलती से भी। एक ये रीज़न भी है कि काइल मायर्स को मैं ले रहा हूँ, क्योंकि मार्को एंसन अगर बॉलिंग रहेगा तो अच्छे से पिटाई होगी मार्को एंसन की काइल मायर्स के हाथों, तो ये चीज़ है, इसलिए भी मैं काइल मायर्स को ले रहा हूँ। वैसे मेरा काइल मायर्स को लेने का मन नहीं था, मार्को येंसन और भुवनेश्वर कुमार को देख के मैंने काइल मायर्स को ले लिया, क्योंकि पावर प्ले में वही दोनों बॉलिंग डालते हैं SRH की तरफ से, तो वो ज़्यादा कोई खास विकेट टेकर गेंदबाज नहीं है, आराम से उनकी पिटाई की जा सकती है, तो काइल मायर्स को ले रहा हूँ, मार्को येंसन को ड्रॉप कर रहा हूँ। भाइयों आप अगर चाहो तो ट्राई कर लेना, मेरा एक मनुष्य प्लेयर है ये, मैं इसको लेता ही नहीं हूँ कभी, जिस दिन लेता हूँ वही माइनस पॉइंट दिला देता है,
तो मैं नहीं लूंगा, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। पर वही पावर प्ले में 3 ओवर डालेगा और फिर चौथा डालेगा कि नहीं डालेगा पक्का नहीं है। और पावर प्ले में डिकॉक और काइल मायर से मुश्किल है कि विकेट ले पाए। ठीक है, तो भाई ऑलराउंडर्स में मैंने ये 5 ऑलराउंडर लिए हैं, इसीलिए मैंने 3 बल्लेबाज नहीं लिए हैं। तो अब चलते हैं बॉलिंग सेक्शन में। अरे यार, मैंने आपको पूरन का नहीं बताया, और क्या बोलते हैं हेनरी क्लासेन, और उसका नहीं बताया ग्लेन फिलिप का। तो भाई उसका रीज़न भी यही है। देखो, हेनरी क्लासेन और ग्लेन फिलिप ये दोनों स्पिन पे स्ट्रगल करते हैं, और सामने वाली टीम से लखनऊ से मैं 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर ले रहा हूँ, कुणाल पांड्या और एक एस सिंह। अगर मैं 5 ऑलराउंडर ले रहा हूँ तो फिर यार 3 विकेट कीपर लूंगा तो फिर बॉलर ही नहीं ले पाऊंगा, तो ये बहुत बड़ी बात है। उस चक्कर में मैं ज़्यादा विकेट कीपर नहीं ले रहा हूँ। पूरन को इसलिए ड्रॉप कर रहा हूँ क्योंकि पूरन माकरम की बॉल पे मुझे लगता है इस मैच में जाने वाला है, और बैटिंग आएगी कि नहीं आएगी, कितने ओवर की आएगी, ये भी बहुत मुश्किल है क्योंकि लखनऊ मुझे लगता है कि इस मैच में SRH को हराने वाला है। और अगर पूरन आएगा भी तो फिर वो माकरम रहेगा ऑफ स्पिनर, वो भी बहुत गंदा है ऑफ स्पिन के खिलाफ, मिड इन ओवर खेल जाता है सुनील नारायण के CPL में, तो ध्यान रखना। इसलिए मैं पूरन को भी छोड़ रहा हूँ। तीनों का बता दिया आपको, पूरन, हेनरी क्लासेन और ग्लेन फिलिप को छोड़ने का रीज़न। ग्लेन फिलिप बहुत नीचे आता है, हेनरी क्लासेन तो भी आता है ऊपर, पर वो जब मैं 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर ले रहा हूँ कुणाल पांड्या और एस सिंह, तो फिर उनको छोड़ना तो पड़ेगा ना राइटियों को। ठीक है भाइयों, और क्या है, अगर मैं पूरे विकेट कीपर और ऑलराउंडर ही लूंगा तो फिर कहाँ से लूंगा मैं फिर बॉलर, ये बात है। अब चलते हैं बॉलिंग सेक्शन में। बॉलिंग सेक्शन में आ गया हूँ, तो भाइयों पहले बात कर ली जाए कौन कौन खेलने वाला है। बिश्नोई खेलने वाला है, भुवनेश्वर कुमार खेलने वाला है, टी नटराजन खेलने वाला है, मयंक मारकंडे खेलने वाला है, आवेश खान भी खेलने वाला है, और यहाँ से मोहसिन खान भी खेलने वाला है, यश ठाकुर भी खेलने वाला है, और यहाँ से और कोई जिससे और किसी के कम चांस है भाई। ठीक है, आदिल राशिद अगर खेलता है तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि आदिल राशिद बढ़िया है गेंदबाज लेफ्टियों को आउट करने के लिए। आदिल राशिद अगर खेलता है तो माकरम से ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इसके लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं, तो ध्यान रखना। अब बात कर ली जाए कि बॉलिंग सेक्शन में मैं लेने वाला किस किस को हूँ। तो भाई वो बिश्नोई को तो मैं ड्रॉप करूंगा, आप चाहो तो पिक कर लेना। अभिषेक शर्मा का विकेट ले सकता है, बस एक ही विकेट है उसका, उसके बाद में अगर कोई बल्लेबाज अगर गलती करता है तो ही विकेट मिलेगा, नहीं तो बिश्नोई विकेट लेस रह जाएगा, और हो सकता है अभिषेक शर्मा पावर प्ले में ही चला जाए, तो ये बात है। ठीक है, बाकी हाँ बिश्नोई की जगह पे मैं किसी और को लूंगा, वो भी स्पिनर है, वो बताऊंगा मैं किसको लूंगा। तो भाइयों देखो, अगर SRH की टीम पहले गेंदबाजी कर रही है ना तो आप टी नटराजन को जरूर लो, क्योंकि डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करता है, 18वां 20वां ओवर डालता है, 15वां भी डालता है, तो आखिरी के ओवरों में गेंदबाजी करता है डेथ ओवर्स में। तो डेथ ओवर्स में किस टीम के विकेट नहीं जाते भाइयों, हर टीम के जाते हैं। पथिराना क्यों हीरो बन गया, क्योंकि डेथ ओवर्स में 12 ओवर के बाद में 4 ओवर डाल रहा है, तो वैसे ही नटराजन का सीन है, डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करता है। वैसे ये सीजन बहुत फीका चल रहा है नटराजन का, पर ये गेंदबाज अच्छा है, लेफ्ट आर्म फास्ट गेंदबाज है, विकेट टेकर गेंदबाज है। अगर SRH की टीम पहले गेंदबाजी करेगी तो मैं नटराजन को लूंगा। ठीक है, बाकी भुवनेश्वर कुमार को भाइयों मैं ड्रॉप करूंगा, आप चाहो तो पिक कर सकते हो। भुवनेश्वर कुमार को क्यों ड्रॉप करूंगा, भुवनेश्वर कुमार को मैं धोखेबाज प्लेयर्स की लिस्ट में डालता हूँ, डाल चुका हूँ, क्योंकि इसको मैंने बहुत बार लेके देखा है, फ्लॉप ज़्यादा जाता है, विकेट बड़ी मुश्किल से चटकाता है, इंडिया को ही कई बार हरवा दिया यार, अभी भी कितनी सारी सीरीज हुई थी, एशिया कप हुआ था, वर्ल्ड कप हुआ था, तो भुवनेश्वर कुमार भाई इससे यॉर्कर सही डलती नहीं है और विकेट नहीं चटका पाता है, मुश्किल से मिलता है भुवनेश्वर को विकेट, तो मैं भुवनेश्वर को ड्रॉप करूंगा। मैं लूंगा किसको वो बताता हूँ भाइयों, मैं यहाँ से लूंगा अमित मिश्रा को। अमित मिश्रा का इस मैच में खेलना लगभग लगभग कन्फर्म है। क्यों ले रहा हूँ, अमित मिश्रा भाइयों बहुत ही अच्छा स्पिनर है और इसके रिकॉर्ड है राइट हैंडर्स के खिलाफ ज़्यादा अच्छे, अमित मिश्रा के। अमित मिश्रा ज़्यादा राइट हैंडर्स को आउट करता है और SRH की टीम में राइट ही ज़्यादा है, तो अमित मिश्रा एक अच्छा रहेगा ऑप्शन विकेट लेने के लिए। बिश्नोई से ज़्यादा अच्छा स्पिनर अमित मिश्रा रहेगा, दिन का मैच स्पिनर्स को हेल्प भी मिलेगी,
बाकी हाँ, अगर अमित मिश्रा नहीं खेलता है तो फिर उसकी जगह पे किसको लेना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो हाई चांस है कि इस मैच में अमित मिश्रा को मौका मिलने वाला है, ठीक है, ले क्यों रहा हूँ क्योंकि राइट ही ज़्यादा है। बाकी अगर भाइयों आदिल राशिद खेल गया तो आदिल राशिद को मैं बोल रहा हूँ आप बीस टीम में ले लेना। क्यों ले लेना? क्योंकि आदिल राशिद लेफ्टियों के अगेंस्ट बहुत अच्छी गेंदबाजी करता है, जैसा मैंने कल राशिद खान का बताया था आपको। मैंने राशिद खान का भाइयों कल क्लियर बताया था कि ईशान किशन और निहाल वडेरा को आउट करेगा, किया बंदे ने आउट, और वो भी पहले पहले ही ओवर में आउट किया, जैसे ही स्ट्राइक में देखे वैसे ही आउट किया। तो राशिद खान का तो मैंने बताया आपको, आदिल राशिद का भी सेम वही सीन है। इसकी भी गुगली बॉल बहुत अच्छी है और लेफ्ट हैंडर्स के विकेट निकाल के ले जाती है। जब लखनऊ का और SRH का मैच हुआ था लास्ट टाइम, तो उस मैच में भी मैंने बताया था आपको आदिल राशिद का, और उस मैच में भी दो विकेट छटकाए थे। देखो दिखाता हूँ आपको, उस दिन सिलेक्शन देखना कितना था, 24% था, 75 पॉइंट दिलाए थे लखनऊ के खिलाफ, दो विकेट निकाले थे। तो ध्यान रखना आदिल राशिद इस मैच में अगर खेलेगा तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वैसे मौका दिया जाना चाहिए क्योंकि लेफ्टी के खिलाफ बहुत अच्छे रिकॉर्ड हैं, ठीक है, तो देख लेना आदिल राशिद को अगर खेलेगा तो। बाकी भाइयों यहाँ से नवीन उलग का खेलना मुश्किल है क्योंकि ऑलरेडी वहाँ से डिकॉक, पूरा निस्टोइनिस और मायर्स चारों के चारों बल्लेबाज खेल रहे हैं, गेंदबाजों को लखनऊ ने बिठा ही दिया है। अब वो देखो स्टोइनिस को हटा नहीं सकते, मायर्स को हटा नहीं सकते, पूरन को हटा सकते हैं, अब डिकॉक आ गया है तो हो सकता है कि पूरन की जगह पे कोई मार्क वुड या फिर नवीन उलग खेल जाए, तो फिर उलझना ही नहीं है। अमित मिश्रा अगर नहीं खेलता है तो नवीन उलग या तो मार्क वुड, इन दोनों में से किसी एक को ले लेना है। बाकी मैं ले किसको रहा हूँ, एम खान को ले रहा हूँ भाइयों। एम खान को क्यों ले रहा हूँ भाइयों, ये गेंदबाज बहुत अच्छा है, लेफ्ट आर्म फास्ट गेंदबाज है, ये विकेट टेकर गेंदबाज है, और जब भी ये मतलब खेलता है ना तो विकेट छटका देता है। और अगर आप लखनऊ को फेवर कर रहे हो तो एम खान को नहीं ले रहे हो तो फिर तो यार गलत बात है, क्योंकि एम खान जब भी लखनऊ की टीम जीतती है और एम खान खेलता है तो वो विकेट जरूर छटकाता है। लास्ट सीजन याद कर लो, बैक टू बैक मैचों में तीन 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 विकेट छटका रहा था, और लास्ट मैच भी खेला उसमें भी एक विकेट मिल गया था। तो मोहसिन खान को मैं लेने वाला हूँ। लेफ्ट आर्म फास्ट गेंदबाज थोड़े से मेरे फेवरेट रहते हैं, लेफ्ट आर्म फास्ट गेंदबाज और लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, क्योंकि विकेट छटकाते। एम खान को ले लिया, अमित मिश्रा को ले लिया, अब देखो अभी के लिए मैं यहाँ से टी नटराजन को ले रहा हूँ, अगर SRH की टीम बॉलिंग नहीं करेगी तो फिर मैं किसी और को लूँगा। बाकी भाइयों मयंक मारकंडे को भी आप ट्राई कर सकते हो इस मैच में, पर मुझे थोड़ा सा रिस्की ही लग रहा है, पर फिर भी आप ट्राई कर सकते हो, मयंक मारकंडे भी अच्छा कर सकता है, दिन का मैच है खासकर, और दिन के मैच में स्पिनर्स को हेल्प मिलती है। अगर देखो इन दोनों में से किसी एक को लूँगा, नटराजन या फिर मयंक मारकंडे, अगर SRH की टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो यहाँ से नटराजन ले लूँगा डेथ ओवर्स के लिए, अगर SRH की टीम पहले बैटिंग कर रही है तो फिर मैं मयंक मारकंडे को ले लूँगा, क्योंकि सेकेंड इनिंग में फिर वो मिडिल ऑर्डर में ज़्यादा विकेट जाने के चांसेस रहते हैं। कल पीयूष चावला कार्तिका कैसे ले रहे थे विकेट, तो उसी टाइम पर मयंक मारकंडे भी सेकेंड इनिंग में बॉलिंग डालेगा तो विकेट मिलने के चांसेस रहेंगे। बाकी फर्स्ट इनिंग में तो नटराजन बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो भाइयों मैंने सबका बता दिया, आवेश खान का नहीं बताया, आवेश खान भाइयों विकेट चटका नहीं पाता है यार, धोखा बहुत देता है, इसलिए मैं अभी नहीं ले रहा हूँ। बाकी आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। और अमित मिश्रा नहीं खेलेगा तो फिर मैं लखनऊ का जो एक हाथ बोलर ले लूँगा, पता चल जाएगा आपको टेलीग्राम पे, फाइनल टीम में दे दूंगा आपको अपनी। तो भाइयों ये मेरी है ड्रीम 11 की टीम, लखनऊ के प्लेयर दिख रहे हैं आपको ज़्यादा, मैं लखनऊ को ही जीता रहा हूँ। कल भी मैं मुंबई के 8 प्लेयर लेके आया था, मिलर और राशिद खान और एक हार्दिक पांड्या, बस तीन लिए थे मैंने गुजरात के प्लेयर, बाकी रोहित, किशन, सूर्या, कार्तिका, पीयूष चावला, बेंड्रोप, सब प्लेयर मतलब मैंने ग्रीन मुंबई के लिए थे। तो आज भी मैं लखनऊ के ज़्यादा ले रहा हूँ क्योंकि लखनऊ के मुझे चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं जीतने के। तो ये मेरी ड्रीम इलेवन की टीम है, अब चलते हैं विजन इलेवन की टीम बनाने, फिर उसके बाद में मैं आपको CVC बना के बताऊंगा, फिर उसके बाद में आपको एक दो बात और बताऊंगा, फिर उसके बाद में वीडियो होगी खत्म। अब चलते हैं विजन इलेवन पे टीम बनाने, विजन इलेवन पे आ गया हूँ भाइयों। तो अब देखो यहाँ पे क्या है ना भाइयों, यहाँ पे रूल वाइज टीम बनती है, जो मैं आपको बात बता रहा था एक,
कि भाई वो बात सुन के आप फटाक से इंस्टॉल कर लोगे। आज यार गर्मी बहुत है, बता रहा हूँ भाइयों। कोई नहीं बताता होगा भाइयों आपको इतना अच्छे से, बस सब लोग तुक्का लगा लगा के बता देते होंगे ये चलेगा वो चलेगा, बताते नहीं होंगे रीज़न। लेकिन आपका भाई एक एक प्लेयर को लेता है तो उसका लॉजिक बताता है, वजह बताता है क्यों लेता है, इसीलिए थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती है। नहीं तो मेरा क्या है, मैं तो 5 मिनट की वीडियो बना के दे दूँ पर उसमें ना आप जीत पाओगे ना आप ग्रैंड लीग जीत पाओगे। दूसरों की वीडियो देख के तो आप स्मॉल लीग भी नहीं जीत पाते हो मुझे मालूम है, तो मुझे मेहनत करना पड़ती है आपकी वजह से। देखो पानी पीना पड़ता है, एसी चलाना पड़ता है बार बार। तो बात की जाए अब विकेट कीपर सेक्शन में, तो वही एक विकेट कीपर ले रहा हूँ मैं डिकॉक को, क्योंकि विकेट कीपरिंग प्लस ओपनिंग दोनों ही कर रहा है। अब भाई वो विजन इलेवन का ऐसा फीचर है ना कि ये फीचर पहले ड्रीम इलेवन पे भी था लेकिन विजन इलेवन पे अभी तक जारी है। कैसा फीचर है कि यहाँ पे आप एक टीम के मैक्सिमम 7 ही प्लेयर ले सकते हो और दूसरी टीम के आप मिनिमम 4 तो आपको रखना ही है, ठीक है। पहला फीचर ये हो गया। दूसरा फीचर है कि यहाँ पे आपको 3 बल्लेबाज रखना जरूरी है, 3 गेंदबाज रखना जरूरी है और मैक्सिमम आप 4 ही ऑलराउंडर ले सकते हो। तो कैसा लगा फीचर? एक यही वजह है जिसकी वजह से मैं विजन इलेवन पर ज़्यादा करोड़ों में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। क्यों? क्योंकि देखो मैं 3 बल्लेबाज ले रहा हूँ तो सामने वाला भी 3 लाएगा ही। अब वो हम दोनों में भिड़त हो जाएगी, मैं कौन से 3 ले रहा हूँ वो कौन से 3 ले रहा है, उसके चल जाए या मेरे चल जाए। अब ड्रीम इलेवन पे क्या हो रहा है, कोई 1 बल्लेबाज ले रहा है, कोई 3 बल्लेबाज ले रहा है, कोई 8 गेंदबाज ले रहा है, कोई 8 ऑलराउंडर ले रहा है। तो वहाँ पे कोई रूल नहीं है टीम बनाने का, कोई एक टीम के 10 प्लेयर ले रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, आपने 3 बल्लेबाज रखे तो सामने वाले ने भी रखे, आपने अगर 3 गेंदबाज रखे तो सामने वाले भी 3 रखे, बाकी अब वो आपकी मर्जी है आप 5 गेंदबाज लो या फिर 5 बल्लेबाज लो, ठीक है। पर यहाँ पे 3-3 तो आपको रखना ही है। तो ये चीज़ है भाइयों, इसी ही वजह से ज़्यादा यहाँ पे क्लीन स्वीप में कर लेता हूँ आसानी से। पहले ड्रीम इलेवन पे बहुत जीतता था मैं, बहुत बेपना वहीं खेलता था ज़्यादा, लेकिन ड्रीम इलेवन ने जब से वो फीचर चेंज किया ना, मैं विजन इलेवन पे आ गया भाइयों। और विजन इलेवन पे अभी जितना आपका भाई छाप रहा है ना, कोई नहीं छाप रहा है। आ जाओ टेलीग्राम पे देख लो कितना कितना छाप रहा है। कल मैं 4 करोड़ रुपए जीतता हूँ, बहुत दुख हो रहा है मेरे को कि सर्वर क्यों डाउन हो गया था। आप तो कल की टीम आके देखना, बोलोगे हाँ यार भाई यार दम है यार। तो चलो अब बात कर ली जाए बैटिंग सेक्शन में, तो वही राहुल त्रिपाठी, अभिषेक शर्मा और दीपक हुडा, ये 3 बल्लेबाज में रखने वाला हूँ। अभिषेक शर्मा को यहाँ पे रख रहा हूँ, वहाँ पे नहीं रख पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे 3 बल्लेबाज रखना जरूरी, नहीं तो टीम ही कंप्लीट नहीं होगी। तो ये 3 बल्लेबाज ले लिए। ऑलराउंडर्स में आ गए, तो ऑलराउंडर्स में मायर्स को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मायर्स फ्लॉप भी हो सकता है, माक्रम शुरू में आके बॉलिंग डाल सकता है, क्योंकि लास्ट मैचों में मायर्स का विकेट ऑफ स्पिनर की गेंद पे गया है, तो ऑफ स्पिनर यहाँ से माक्रम है, वही पुराना वाला दिमाग चला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से माक्रम, कुणाल पांड्या का सिलेक्शन देखो यार, इसीलिए बोलता हूँ विजन इलेवन पे खेलो, 23% सिलेक्शन है, ये मैच महा जैकपॉट मैच है। कुणाल पांड्या देखो, एस सिंह का सिलेक्शन तो वहां भी 0 यहां भी 0 लेने वाला हूँ। मार्कस स्टोइनिस, चलो मार्कस स्टोइनिस तो सबके पास में है, बाकी यहाँ पे एडन माक्रम का भी सिलेक्शन कम है भाइयों, इसीलिए बोलता हूँ विजन इलेवन पे खेलो, क्योंकि यहाँ पे सब लोग बल्लेबाज और गेंदबाज में उलझ जाते हैं। अब देखो ऑलराउंडर यहाँ पे कुणाल पांड्या को कोई नहीं ले रहा है, जबकि कुणाल पांड्या मेरा कैप्टन रहने वाला है। वही पुरानी वाली बात याद आ गई है मेरे को, हैदराबाद वर्स लखनऊ के मैच में जो हुआ था ना, कितने पॉइंट दिलाए थे देखो आप जरा, 151 पॉइंट, उस दिन 33% था, आज तो 23% है। जबरदस्त जैकपॉट मैच है विजन इलेवन पे, तो ड्रीम इलेवन पे तो भी ले लेंगे इसको सब लोग, पर विजन इलेवन पे बहुत लोग ड्रॉप करेंगे।
तो भाई ये चार ऑलराउंडर ले लिए मैंने, बाकी एस सिंह तो रहेगा ही नहीं किसी के पास, तो इस मैच में भी लगाऊंगा भाई दबा के। बॉलिंग सेक्शन में आ गए, अब बॉलिंग सेक्शन में बिश्नोई सब ले रहे हैं, लेन दो मैं नहीं ले रहा हूँ। बाकी हैदराबाद की तरफ से वही मैंने आपको समझा दिया, पहले बॉलिंग तो नटराजन, पहले बैटिंग तो मारकंडे, तो अभी के लिए नटराजन। और किसको ले रहा हूँ, आदिल राशिद का समझा दिया है आपको, है ना। एम खान को ले रहा हूँ, और एक प्लेयर जो बचा है कहाँ है, अमित मिश्रा, अमित मिश्रा को ले रहा हूँ। तो ये हो गई विजन इलेवन की टीम, ये भी लखनऊ के फेवर में बन गई, सात प्लेयर लखनऊ के आ गए मेरे पास में, चार मैंने इनके ले लिए। अब भाइयों सीवीसी की बात कर ली जाए, चलो ड्रीम इलेवन पे सीवीसी बना के बताता हूँ, और एक बात और बतानी है आपको ड्रीम इलेवन पे, पहले वो बात बता देता हूँ फिर उसके बाद में सीवीसी बना के बता देता हूँ। तो भाइयों अभी तक आपके भाई ने 134 ग्रैंड लीग्स अपने नाम की है, कैसे मैंने इतनी सारी ग्रैंड लीग्स जीती उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी भाइयों, आप उस वीडियो को देखो, सपना आपका पूरा हो जाएगा ग्रैंड लीग विन करने का। सब कुछ शेयर किया है मैंने कि कैसे विन होती है ग्रैंड लीग्स, तो उस वीडियो को देखना। बाकी अगर आपको प्रूफ्स देखना है तो आ जाओ टेलीग्राम पे, कल का ही रिजल्ट देखोगे समझ जाओगे भाई चैंपियन है हमारा। बाकी मैंने अपनी जब भी ग्रैंड लीग जीतता हूँ तो उसको पिन कर देता हूँ टेलीग्राम पे, आप पिन मैसेज में देख लेना। 50-50 लाख स्पोर्ट्स के कॉन्टेस्ट में टॉप किया है मैंने, एक एक मैच में 10-10, 14-14 ग्रैंड लीग्स विन करी है। और ये मेरी आईडी है ड्रीम इलेवन की, Somesh5419, सर्च करना आप, मेगा अचीवर के अवार्ड गिनना आप, कितने अवार्ड मिले हैं मुझे। अवार्ड का सिस्टम तो बहुत बाद में आया था, उससे पहले ही आपके भाई ने कई सारी ग्रैंड लीग्स विन कर ली थी। तो आना टेलीग्राम पे जरूर आना, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेरी फाइनल टीम भी आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। बाकी जो नेक्स्ट मैच है डीसी वास पीबीकेएस, उसकी वीडियो आपको 12 बजे मिल जाएगी, वो मैच भी ज़बरदस्त रहने वाला है। बाकी ज़्यादा ज़बरदस्त तो यही मैच है, क्योंकि सिलेक्शन देखो ना, विजन इलेवन पे कुणाल पांड्या 23% है। तो चलो बात कर ली जाए आप सीवीसी की, बाकी टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है, लिंक वर्क नहीं करे तो उसका सॉल्यूशन भी डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, ठीक है भाइयों। अब बात करते हैं सीवीसी की, तो भाइयों कैप्टन मेरा रहेगा कुणाल पांड्या, वाइस कैप्टन मेरा रहेगा यहाँ से एडेन माकरम। तो ये हो गई मेरी स्मॉल लीग की टीम, विजन इलेवन पे भी यही दोनों सीवीसी रहेंगे, और अगर इसमें कुछ चेंजेस होता है, वैसे अमित मिश्रा का कंफर्म नहीं अभी खेलना ना खेलना, तो मेरी फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है, लिंक वर्क नहीं करे तो उसका सॉल्यूशन भी डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है, ठीक है भाइयों। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट मैच में, तब तक के लिए धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो, ढेर सारी आज आपकी विनिंग्स हो।